पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लूट की वारदात का मुरादाबाद पुलिस ने खुलासा कर दिया। बंधक बनाकर लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था। दो आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और तीन आरोपी अभी भी फरार है। योजना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। दो घरों को निशाना बनाया था। एक घर में लूट करने में बदमाश सफल हो गए थे, लेकिन दूसरे घर में लूट करते समय बदमाश असफल हुए, जिसके बाद वो मौके से फायरिंग करते हुए भाग गए थे। पुलिस कप्तान हेमराज मीणा ने लूट का खुलासा किया। मुरादाबाद जनपद के थाना कटगर क्षेत्र के गाँव हृदयपुर का पूरा मामला है। देखिए, थाना खटगर में 20 और 21 जनवरी की रात्रि में एक घटना हुई थी हृदयपुर गांव में, जो कि ये गांव बिल्कुल रामगंगा नदी के बिल्कुल किनारे पे पड़ता है। और रात्रि में करीब 12 से 1 के बीच में ये घटना हुई थी, जिसमें दो घरों में घुस के और कुछ अज्ञात बदमाशों ने बंधक बना के और लोगों से वहाँ पर उनके पैसे और ज्वेलरी उसमें ले जाया गया था। और इसी दौरान जो घर के लोग थे उनमें से दो लोगों ने इनको पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें से एक बदमाश के द्वारा इनमें फायरिंग की गई और उसमें से एक जो व्यक्ति है वो घायल भी हुआ और दूसरे को भी हल्की चोट आई। जो अभी एक जो घायल था उनके अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो दूसरे जो उनके भाई हैं वो अभी स्वस्थ हैं। इसी पे हमारी थाना को जो कटघर की टीम है और क्षेत्राधिकारी कटघर SP सिटी साहब और हमारी SOG टीम है, इसमें लगातार जो काम कर रही थी, तो इसमें आज दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक पप्पू जाटव उर्फ विनोद पुत्र मुकेश निवासी जाटवा वाला मोहल्ला, ये थाना सैपनी के रहने वाले जनपद रामपुर के, और दूसरे हैं आसिम अंसारी, ये मुगलपुरा थाना के रहने वाले हैं जामा मस्जिद के पास से। ये दो लोगों को आज गिरफ्तार किया गया और जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके साथ में उस दिन घटना में तीन लोग और शामिल थे। गुलाम नबी पुत्र मुसब्बर, ये ललवारा थाना सैपनी के रहने वाले जनपद रामपुर के। एक जाबुल पुत्र एजाज है, ये थाना पुनर्की के रहने वाले हैं। और एक नावेद पुत्र बारिश, ये पुराना ललवाला ये थाना सैपनी के ही रहने वाले हैं। इसमें तीन लोग हैं वो रामपुर जनपद के रहने वाले, एक मुगलपुरा के हैं और एक थाना पुनर्की देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इन लोगों ने प्लान करके ये घटना को अंजाम दिया गया था। दो लोग एक स्कूटी से आए थे और बाकी जो तीन लोग हैं मोटरसाइकिल से आए थे और नदी के पार ही इन्होंने मोटरसाइकिल और अपनी जो स्कूटी है वो खड़ी कर दी थी। और उसके बाद में नदी में चूँकि पानी इस समय कम रहता है, करीब कमर के आसपास पानी रहता है, तो उसी पानी में से अंदर आए हैं। और आने के बाद में इन्होंने जो सबसे नज़दीक वाले जो घर थे दो, उन पे इन्होंने ये कार्रवाई की और इसमें एक घर में से लूट करने में सफल हो गए थे। दूसरे घर में जब ये गए तो वहाँ पे जो दोनों भाई थे तो उन्होंने इनसे इनको पकड़ने का प्रयास किया, उसी में इनमें आपस में झड़प हुई, जिसमें इनके द्वारा गोली चला दी गई थी, जिसका तमंचा उसी दिन वहीं से बरामद कर लिया गया था। और आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और जो तीन लोग हैं इनको इन पर इनाम घोषित किया गया, इनका नाम प्रकाश में लाया गया है और इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इनके पास से जो घटना में है जो बरामदगी है वो इनके पास से दो जोड़ी सफ़ेद धातु की जो पाजेब है वो मिली है और 6,000 रुपये इनके पास से मिले हैं। इसके अलावा दो अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी जीप जो TVS जुपिटर है जो घटना में प्रयुक्त की गई थी वो भी इनके पास से बरामद हुई है। और ये जो गैंग है ये काफ़ी मतलब जो देहात क्षेत्र में इस तरह की जो घटना करने की प्लानिंग ये करके, और इन्होंने चूँकि उस समय घना कोहरा उस समय चल रहा था और दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था, तो इसी टाइम पे इन्होंने नदी के किनारे वाले जो गांव है उसको चिन्हित किया और वहाँ पे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया। और ये काफ़ी गंभीर प्रकार की घटना थी। बाकी जो तीन लोग हैं इनको हम गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें से जो आसिम अंसारी है इनके विरुद्ध पहले चोरी के दो मुकदमे हैं, जो कि हरिद्वार जनपद हरिद्वार के थाना रानीपुर में इनके खिलाफ दो मुकदमे 2023 में पंजीकृत हुए हैं, तो पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा जो पप्पू जाटव है ये भी आर्म्स एक्ट में थाना साहबा जनपद रामपुर से पहले जेल गए हैं। और जो बाकी जो तीन लोग हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है, इसकी जानकारी की जा रही है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।